बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया वास्ती और ये है करोड़ों में खेल, जहां पे आप चंद सवालों के जवाब देकर बहुत सारे कीमती इनामात जीत सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको उन सवालों के जवाब आते हों, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हर सवाल का जवाब तो हर एक को नहीं आता। तो यही तो मज़े की बात है कि आपको जो लाइफ लाइन्स हमने दी हैं या हमने जो ऑप्शंस आपको दी हैं उनके आप उनकी मदद से मनूवर करते हुए आप वेदर यू नो द आंसर और नॉट, आप मनूवर करते हुए सही जवाब देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। बहुत कम होता है कि हमारा कोई कंटेस्टेंट एक से दूसरे प्रोग्राम तक जाए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए और वो खेलता रहे और अगले एपिसोड में भी जाए। That means he's playing well. बहुत कम होता है ऐसा। अमूमन ये होता है कि सातवें आठवें सवाल पर या कोई कुछ कर जाता है या कोई गलत जवाब दे देता है, कोई नर्वस हो जाता है। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हमारे जो कंटेस्टेंट हमारे साथ पिछले एपिसोड में थे वो आज भी हमारे साथ हैं। देखते हैं कि वो कहाँ तक हमारा साथ देते हैं, क्या क्या यहाँ से जीत कर जाते हैं। प्लीज़ वेलकम उस्मान। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अल्लाह का करम है जी, ठीक ठाक। जरा चेहरा ऊपर करें, हमसे बात करें, कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा फिर क्या हुआ, आप घर गए तो आप ने अपने पेरेंट्स को क्या बताया? मान ही नहीं रहे थे। नहीं मान रहे थे कि भाई आगे इतना पहुंच गए कि अगले एपिसोड में कैसे पहुंच गए, है ना? अम्मी बोली थी नहीं नहीं, तो अम्मी को बताया मैंने। हाँ मैंने कहा काफी कुछ ले आया हूँ, काफी कुछ जीता हूँ मैं, जीता मैंने तो... का अगला आपके लिए गिफ्ट लाऊंगा। हाँ लग्जरी बेडरूम सेट। नहीं ये तो झूठ बोल रहा है और ये अपने फ्रेंड्स के साथ आवारागर्दी करने गया होगा और हमें ये कह रहा है ना, ऐसा बिल्कुल है ना, बिल्कुल यही हुआ होगा, है ना? मुझे पता है। उनको यकीन ही नहीं आएगा जब तक तो फिर वो ऑन एयर नहीं देखेंगे, तब तक पता नहीं ना चलेगा, ये भी तो है। अच्छा ठीक है, तो वैसे ठीक है आप? अच्छा और आपका दोस्त भी ठीक है? दोस्त तो बहुत, वो जो पीटीआई वाला आपका दोस्त था? नहीं बहुत अच्छा है, उससे तो मैंने ट्रीट का वादा किया है ना। आप देंगे ट्रीट की? नहीं, नहीं मैं दूंगा। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद मैं दूंगा। ये काम भी आप उससे करवाएं? नहीं नहीं कहाँ करेगा, तो पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा। ट्रीट दो, ट्रीट दो, इतना कुछ तुम जीत गए हो, ट्रीट दो। अच्छा ओके जी, तो ज़रा हम देखें कि हम किस लेवल पर पहुँचे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा तो हम पहुँचे थे ऐश मंजिल पर, तो ज़रा बताएं आपकी ज़िंदगी में अय्याशी के तरीके क्या हैं? जब आपके पास वक्त होता है फिर कैसे? खास नहीं, जैसे दोस्तों के साथ बैठ गए, उनको घर पे बुला लिया, उनको कभी छेड़ा, उनको तंग किया, इरिटेट किया, इस तरह से। ये नहीं है कि घूमना फिरना ज़्यादा ही टाइम, बस ये होता है रात का टाइम जब मिले। अच्छा, उनके साथ गुजार लिया थोड़ा सा वक्त। आपकी तरफ बैठते हैं, दूसरों की तरफ? अभी मेरे घर आ जाते हैं, अम्मी कुकिंग कर लेती हैं, कुछ भी बनाया हो तो अम्मी बोलिए बुला लो उन सबको, क्योंकि एक ही होता हूँ ना वो, तो सबके साथ अम्मी पास पास ही रहे, पास पास ही सारे रहे, उन्हें बुला लेती हैं, कॉल खुद कर लेती हैं कि आ जाओ आज ये बनाया मैंने, आ जाओ तुम। अच्छा हाँ, क्या सबसे अच्छा बनाती हैं आपकी अम्मी? बिरयानी अच्छा बनाती हैं, बिरयानी अच्छी बनाती हैं और दम कीमा अच्छा बनाती हैं। अच्छा लाइफ लाइन आपके पास कोई नहीं है अब? कोई ठीक है, क्विट कर सकते हैं जब आपका दिल चाहे, या आप गलत जवाब दे सकते हैं या सही जवाब दे सकते हैं, ये आपके पास तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन। ठीक है, आठवां सवाल ऐश मंजिल का, ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। वो कौन सा मशहूर रेसलर है जो कैलगरी सन नामी पब्लिकेशन का कॉलम राइटर भी रह चुका है? स्टीव ऑस्टिन, जॉन सेना, ब्रेट हार्ड, द अंडरटेकर। रेसलिंग की कभी आपने कुश्ती? इतनी तो भाइयों दोस्तों वगैरह के साथ ही होती है, कजन वगैरह के साथ है ना, इतनी रेसलिंग तो हो ही जाती है, है ना? और हमारे तो अगर पाकिस्तान में देखें तो रेसलिंग का कल्चर है, बच्चे तो खेलते ही रेसलिंग है ना, छोटे छोटे जितने भी। कौन सा मशहूर रेसलर है जो एक कॉलम राइटर भी रह चुका है? जॉन सीना और द अंडरटेकर तो मुझे नहीं लग रहा, ये दोनों नहीं लग रहे, ए और सी में से लग रहा है। ए और सी, स्टीव ऑस्टिन, ब्रेट हार्ट, इन दोनों में से कोई पढ़ा लिखा आपको ऐसा लग रहा है जो रेसलिंग भी करता होगा, कॉलम राइटर भी होगा? लाइफ लाइन भी सारी खत्म हो गई है, लाइफ लाइन भी नहीं है अब आपके पास। सी चुनना चाहूंगा। सी सी चुनना चाहूंगा।
ब्रेट हार्ट पक्का? मुझे लग रहा है ऐसा, एक अब तुक्का नहीं है नहीं, अच्छा एक अंदर से एक फीलिंग आ रही है, वो नहीं अक्कड़ बक्कड़ टाइप नहीं? नहीं नहीं वो नहीं है, अक्कड़ बक्कड़ भी नहीं किया वो तो, नहीं वो नहीं किया। अच्छा सी कर दे, ब्रेट हार्ट सी, ऑप्शन सी को लॉक करें। आपने लिखा है कभी किसी को लेटर, खत लिखा है आपने कभी किसी को? नहीं खत नहीं लिखा। फिर मैसेज तो लिखा है? हाँ मैसेज लिखा, मैसेज लिखा हाँ। फिर आपने देखिए ईद से आगे बात बढ़ानी है, बाकी और भी बड़े ओकेजन्स होते हैं साल में है ना, उन पे भी हेलो हाई किया जा सकता है। बिल्कुल है ना, तो हिम्मत नहीं हारनी आपने, मुझे लगता नहीं आप हिम्मत हारने वाले। नहीं लेकिन देर भी नहीं करनी है ना, दुआ कीजिए जी, बस दुआ पे ही सब कुछ चल रहा है। सी हमने ब्रेट हार्ट इसको हमने लॉक कर दिया है, लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। सही जवाब है लग्जरी बेडरूम सेट, इस वक्त आप जीत चुके हैं ऐश मंजिल से, अब आप पहुंच गए हैं कैश मंजिल में। मुझे तो नहीं पता था कि आप यू नो, लग नहीं रहा था मुझे, नहीं लग रहा था। देखो अब कैसे जवाब आता हो या ना आता हो, लेकिन देखिए आप मनूवर करके पहुंच ही गए ना, है ना। नौवां सवाल है जी, कैश मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं। नौवां सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप वो कौन सा हॉलीवुड एक्टर है जिसके गाने ने रैप सॉन्ग कैटेगरी का पहला ग्रैमी अवार्ड हासिल किया था? आपकी ऑप्शन है एमिनेम, विल स्मिथ, जेजी, आइस क्यूब। इनमें से किसी को सुनते हैं आप? नहीं मैंने किसी को नहीं सुना, किसी के नहीं सुनते आप? सॉन्ग मैंने सुने नहीं इंग्लिश। अगर सुने भी हैं तो पता नहीं है और समझ नहीं आते मुझे तो, नहीं, आज तक मुझे भी नहीं क्या आ रहे हैं, और लोगों को देखा है मैंने सुनते हुए हाँ, और साथ साथ रैप करते हुए भी वैसे ही, पता नहीं है कैसे। वल्ला आलम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे रैप सॉन्ग कैटेगरी का पहला ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया था, एमिनेम, विल स्मिथ, जेजी, आइस क्यूब। इनके नाम भी देखे ना अपने, ये सवाल था और एक और सवाल था जो पिछले वो कल पूछा था वो, उसमें मेरे को ये दो सवाल हैं जो ऊपर से बिल्कुल गए हैं, तुक्का लगाऊंगा अल्लाह आलम, अगर अल्लाह ने चाहा तो। मैं डी चूज करना चाहूंगा, डी, आइस क्यूब काम की चीज होती है, चेंज भी कर सकते हैं, अभी मैंने लॉक नहीं किया है, अब आप इस वक्त आप कर सकते हैं। मैं ए चूज करता हूँ, मैं डी और ए में कंफ्यूजन कंफ्यूज हो रहा हूँ। M&M and Ice Cube. M&M का कहीं ना कहीं नाम गुजरा है मेरे से। मैं D choose करती हूँ। Final. क्योंकि समझ नहीं आ रहा ना। हाँ। बिल्कुल भी जो मैं सही बात है वो मुझे इसका आंसर नहीं पता। क्योंकि बिल्कुल भी कभी ना सुना है। हाँ। ना कभी आज तक, इस वजह से इंटरेस्ट भी नहीं रहा। इंटरेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं रहा। डी चूज करता हूँ। डी बस कर लिया चूज? कर लिया चूज। ओ हो गया जी, चले जी लॉक करें इसे, आइस क्यूब को लॉक करते हैं, देखते हैं ये तुक्का कहाँ तक साथ देता है। डी आइस क्यूब लॉक कर दिया है, लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। विल स्मिथ इज द राइट आंसर। ये तो आपको भी नहीं पता था, ये मुझे भी नहीं पता, मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था ये तो, आप ही नहीं रहता ध्यान में कि क्या है ना, तो ना मैंने इसमें अकड़ पकड़ भी नहीं किया क्योंकि बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी इसकी, है ना। सही बात है, आपके पास क्विट का ऑप्शन भी था लेकिन आपने क्विट नहीं किया, और ऑप्शन था आपके पास, मैंने दो तीन दफा आपको बताया भी। खैर आप क्या, जाहिर है इट्स योर डिसीजन व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा खेला आपने, बहुत मुझे बहुत मजा आया, मजा आया ना। ये भी बड़ा जरूरी है कि वंस यू गोइंग थ्रू अ, आप कोई गेम खेल रहे हो, आर जीत तो होती रहती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, प्रोसेस शुड बी इंटरेस्टिंग एज वेल। बिल्कुल है ना,
ठीक है, नहीं ये मुस्कुराहट आपकी हमें चाहिए। नहीं नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं खुश हूँ बहुत। तो फिर क्या करें, तो गाना ही सुना दे हमें। आते नहीं, नहीं कुछ तो, कोई गाना तो आता होगा आपको। आजकल चल रहा है तो पता नहीं, तेरी यादा सहारे। सुना दे थोड़ा सा। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सुनाया अपनी आवाज इतनी। नहीं तो आप हमें सुना देना, किसी को क्या सुनाना है, कोई नहीं सुनता, नहीं सुनता, हम तो सुनना चाहते हैं। तेरी यादा सहारे मैं जीते लवांगी, एक गम तू सी दिता सौ गम आप पाले। अच्छी आवाज है, आवाज तो आपकी बहुत अच्छी है भाई। ये गाना प्लीज आप सुनाएं, बल्कि रिकॉर्ड करके वो इंस्टा वाली को भेजें। नहीं क्यों, इतनी भी अच्छी नहीं है ये, और ये ऐसे ना भेजें इंस्टा पे, ये क्लिप थोड़ा सा गा के डालते हैं। ठीक है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो, रियली एंजॉयड हैविंग यू ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक। और ये अकड़ बकड़ आपने जो कहा ये मैं भी कहीं ट्राई करूंगी। ये काम करता है कभी कभी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर दोबारा से आर या पार का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा तारुफ हो जाए उनका, उसके बाद फिर आर या पार का सवाल, 30 सेकंड्स और फिर नेक्स्ट कंटेस्टेंट ऑन द हॉट सीट। वेल माय नेम इज मोहसिन अजीम चौधरी, नाउ आई एम डूइंग बीकॉम फ्रॉम माय कॉलेज। अच्छा, और क्या है जिंदगी में, बस यही दो चीजें हैं, एक लंबा सा नाम और बीकॉम। बताइए अपने बारे में कुछ। वेल एक्चुअली आई लाइक फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हैं आप? बहुत खेलते हैं। अच्छा, ओके, और कोई इंटरेस्ट? नहीं। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफी लंबी उसकी स्टडी होती है, काफी साल लगते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, अगर आप बनना, आपको भी मुझे लगता है ये नंबर शंबर और ये हिसाब किताब का शौक है, अच्छे हैं आप इसमें कि नहीं? या, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तो यही आपको है ना, नंबर ही नंबर हर तरफ है ना, फोन नंबर नहीं है ये दूसरे नंबर से। अच्छा ठीक है जी, वेलकम टू द शो। क्या ज़ैनुल आबिदीन जी, माइक आपको दिया। अच्छा, आपका नाम ज़ैनुल आबिदीन है, क्या करते हैं आप जी? क्या करते हैं आप? मैं स्टडी। क्या स्टडी करते हैं? डिप्लोमा। किस चीज़ का डिप्लोमा? मैकेनिकल। मैकेनिकल जी। और क्या, वेयर आर यू गोइंग टू यूज इट, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर, तो डिप्लोमा डिग्री नहीं? डिग्री है पर आगे है बीटेक। डिप्लोमा क्यों आप? डिप्लोमा तो डिग्री डिफरेंट होती है, डिप्लोमा डिफरेंट होता है, तो आप डिप्लोमा क्यों कर रहे हैं, डिग्री में क्यों नहीं आपने? नहीं, वो फील्ड इंजीनियरिंग की है, मुझे इंटरेस्ट है उसमें। अच्छा, उसमें है जी। फिर उसके बाद आप, यू वांट टू, व्हाट काइंड ऑफ इंजीनियर डू यू वांट, किस तरह के इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें भी तो बहुत सारी फील्ड्स है ना, क्या किस तरफ जाना चाहते हैं? जैसे शिप कंस्ट्रक्शन वगैरह की होती है इंजीनियरिंग। उस तरफ है आपका इंटरेस्ट? अच्छा, और किस चीज़ में इंटरेस्ट है जिंदगी में, और क्या है आपके? इतनी सी उम्र में प्लीज़ ये मत कहिएगा कि सिर्फ यही है, इंजीनियरिंग है और बस। मैं फिर बताएं, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का भी शौक है आपको, गाने का शौक है? नहीं, नहीं। अच्छा, ट्रैवलिंग कहाँ, आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किया आपने? फिलहाल तो ज़्यादा नहीं, बस पंजाब ही थी अपने इधर ही, लेकिन आपको है ट्रैवलिंग का शौक जी। अच्छा, ओके, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, मेरा नाम शहबाज असलम है जी, और मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। ओके, और क्या है आगे के आपके इरादे? मेरा फोर्सेज में जाने का वो है शौक। फोर्सेज में? कौन सी फोर्सेज? किस तरह? एयरफोर्स में जाने का शौक है। अच्छा, एज अ व्हाट जी? एज अ व्हाट, लाइक क्या आप पायलट बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? पायलट बनना चाहता हूँ, जीडी पायलट पे। अच्छा, कौन सा जहाज पसंद है आपको? F-16। F-16 पसंद? F-16 थंडर जी। अच्छा, तो इंटरेस्ट है आपका इन चीज़ों में, जाहिर है ना, बहुत इंटरेस्ट है। तो आपको लगता है कि जो क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है वो आप कर सकेंगे और पहुंचेंगे? कोशिश तो है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, इंटर पास करके उसके लिए अप्लाई करेंगे जी। अच्छा, ओके, बेस्ट ऑफ लक टू यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है जी, मेरी तालीम ग्रेजुएशन है और जॉब करता हूँ प्राइवेट मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च, तो आजकल तो हर जगह मार्केटिंग रिसर्च का बड़ा वो है, किसी भी बिज़नेस के लिए ज़रूरी है कि उस पर मार्केटिंग और रिसर्च रहे, तो आप किस किस्म की मार्केटिंग रिसर्च आपकी जॉब है, क्या कोई प्रोडक्ट है जिसकी आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं? मेरा ऑफिस वर्क है, इसमें डिफरेंट काम होते हैं। बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग है। बोर तो नहीं होते आप? नहीं। अच्छा, अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं अपने आपको? कह नहीं सकते। सोचा नहीं कि भाई
ये मैं कर रहा हूँ, ये टेम्प्ररी है, इसके बाद मैं इधर जाऊँगा या इसके बाद मेरा ये स्टेप होगा, कोई वेग सी प्लानिंग होती है ना जहन में? कुछ इतना खास सोचा नहीं। कुछ नहीं सोचा, बस डे टू डे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये भी एक तरीका है यू नो जिंदगी गुजारने का। ठीक है जी, देखिए अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, एक सवाल आएगा और उसकी चार ऑप्शंस होंगी, आपने सही जवाब देना होगा, प्लस 30 सेकंड्स होंगे आपके, तो आपने जो सबसे पहले सही जवाब देगा वो मेरे पास यहाँ पे इस हॉट सीट पर आएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप गलत जवाब दें और जल्दी दे दें तो यहाँ पे आप आ जाएं। सही जवाब और जो सबसे पहले जवाब देगा जी। आर यू रेडी? आर या पार, सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग बैट्समैन, अरेंज दीज प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर बैटिंग ऑर्डर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये तो भाई क्रिकेट का सवाल है, मेरे ख्याल में आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे। ओपनिंग बैट्समैन, अरेंज दीज प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू द बैटिंग ऑर्डर, जो होता है ना जो बैटिंग ऑर्डर होता है ओपनिंग से एंड तक, आपने उसके अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट में जो होता है आपने उसको अरेंज करना है कि पहले अगर ओपनिंग बैट्समैन है तो उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। जी, आपकी ऑप्शन आएंगी आपके सामने अब। मोहम्मद आमिर, फखर जमान, उमर अकमल, वहाब रियाज, इनका बैटिंग ऑर्डर क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारी? स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग बैट्समैन, अरेंज दीज प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर बैटिंग ऑर्डर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मोहम्मद आमिर, फखर जमान, उमर अकमल एंड वहाब रियाज। रिजल्ट का इंतजार करते हैं, देखते हैं किसने सही जवाब दिया है और कौन यहाँ पर आता है। अच्छा, हर एपिसोड के एंड में जैसे होता है वी हैव अ ड्रॉ, लकी ड्रॉ होता है और कोई ना कोई यहाँ से जो लकी विनर है वो एक ब्रांड न्यू बाइक लेकर जाता है। तो अगर आपने स्क्रैच कार्ड नहीं लिया तो आप स्क्रैच कार्ड ले लीजिए ताकि आप भी उसमें शामिल हो जाए। जी, रिजल्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कि मेरे सामने आ गया। 3 हमारे कंटेस्टेंट्स ने सही जवाब दिया है और जिन्होंने सही जवाब दिया और 6.8 सेकेंड्स में जवाब दिया है वो है मोहसिन। आइए, कंग्रेचुलेशंस जी, आप तो पहुंच गए हॉट सीट पर। आपका मुझे लगता है फिर है क्रिकेट में इंटरेस्ट। या ऑफ कोर्स, है ना, खेलते भी हैं, फुटबॉल तो खेलते हैं आप? यस यस, लेकिन क्रिकेट पे भी थोड़ा बहुत। आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स बट खेलते हैं आप। यस, तो आपका फेवरेट कौन है, आपको कौन कौन सी टीम इंटरनेशनली पसंद है? इंटरनेशनली पाकिस्तान, वेयर इज आवर होमलैंड टीम, सो दैट्स व्हाई। इस वजह से? यस। अच्छा, चले, इस वजह से आपको पाकिस्तान पसंद है। और व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग एंड परफॉर्मेंस फिर कौन सी टीम? परफॉर्मेंस में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के यू लाइक ऑस्ट्रेलिया? आई लाइक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दे प्ले वेरी वेल। या बट समटाइम पाकिस्तान आल्सो प्लेज वेरी वेल समटाइम्स। बट एक ओवरऑल देखते हैं ना, जैसे आप देख रहे होते हैं कि एक होता है अगर मुकाबला हो रहा है तो एक मुकाबला करके जीतना या हारना जी। एक आपको पता होता है कि ये आप मुकाबला ही नहीं कर रहे तो फिर वो मजा, गेम का भी मजा नहीं आता मेरे ख्याल में, जो लोग देख रहे होते हैं उनको भी मजा नहीं आता। एक मुकाबला तो हो ना, हार जीत तो है उसमें नहीं है, लेकिन वाइल यू आर देयर ऑन द फील्ड तो पता तो चले ना कि आप किसी के साथ खेल रहे हैं, मुकाबला भी। आप भी तो फुटबॉल खेलते होंगे, कभी जीतते होंगे, कभी हारते होंगे, कभी इंजरी होती होगी, पार्ट ऑफ गेम, इट्स पार्ट ऑफ इट। लेकिन एक होता है हारना बिल्कुल ही पहले से ही पता है कि हारेंगे, हैं जी, तो बंदा इज्जत से तो हारे। सही बात है। बट एनी थिंग, आई थिंक हमारी अब तो टीम काफी मेहनत कर रही है। आज तो मैं देख रही थी टीवी पे, सरफराज ने काफी वजन लूज कर लिया है ना, तो मोटिवेशन भी होनी चाहिए, ये चीजें तो चलती रहती हैं। अच्छा सर, स्क्रीन की तरफ देखिएगा, ये है जी हमारे पास सारे इनामात हैं आपके लिए जो आप यहाँ से जीत सकते हैं। हमारे पास गिफ्ट मंजिल है, ऐश मंजिल है, कैश मंजिल है। एक सवाल होगा, 4 जवाब होंगे, एक उसका जवाब सही हो जी, ठीक है। 3 लाइफ लाइन्स होंगी आपके पास जो आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। पहली है जी 2 जवाब दीजिए, इसमें आपके पास ऑप्शन है, 4 जवाबों में से आप एक की जगह 2 जवाब चूज कर सकते हैं। उन दोनों जवाबों में से जो आप सेलेक्ट करेंगे, अगर जवाब सही हुआ तो हम आपका जवाब सही मानेंगे, अगर उन दोनों में सही जवाब मौजूद हुआ। दूसरी है जी करोड़ों की कॉल, अगर आप किसी को हेल्प के लिए कॉल करना चाहें तो आप कॉल करके मदद दे सकते हैं जवाब के लिए, ठीक है। और फिर है जी अगर आपको क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगे और आप चाहें कि इसको चेंज कर दें तो हम सवाल को चेंज कर देंगे, तब्दील कर देंगे, ये आपके पास ऑप्शन है। किसी भी टाइम पर अगर आप क्विट करना चाहें, गेम छोड़ना चाहें, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। उस सूरत में जो आपने पिछले सवाल पर अगर कोई इनाम जीता होगा वो इनाम आपके साथ जाएगा, ठीक।
और अगर आपने गलत जवाब लॉक करा दिया एक दफ़ा जी, यस डी ऑप्शन लॉक कर लें, आई एम श्योर कि यही है, और वो गलत जवाब निकला तो फिर खाली हाथ, ठीक है। हर स्टेप के साथ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो वही इनाम होगा जो आप जीतेंगे, पिछले वाला नहीं, देन वी आगे आगे चलेंगे। गिफ्ट मंजिल है, ऐश मंजिल है, कैश मंजिल है। 5,000 कैश है सबसे पहले, पहला सवाल सही जवाब 5,000 कैश हेल की तरफ से। दूसरा है जी ज्वेलरी सेट है हमारे पास ऐश ज्वेलर्स की तरफ से आपके लिए। तीसरे सवाल पे पहुंचेंगे तो फिर ब्रांडेड वॉच की बारी आएगी रिबेल की तरफ से। चौथा सवाल 40 इंच LED आई स्टेक की तरफ से, ये होगी जी गिफ्ट मंजिल। फिर हम ऐश मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा सवाल गिफ्ट मंजिल, अगर आपने सही जवाब दिया तो गिफ्ट मंजिल के तमाम इनाम आप जीत लेंगे, 5,000 कैश, ज्वेलरी सेट, ब्रांडेड वॉच एंड 40 इंच LED। उसके बाद छठे सवाल पर अगर आप सही जवाब दिया तो 150,000 कैश है आपके लिए। सातवां सवाल 250cc बाइक। आठवां सवाल लग्जरी बेडरूम सेट, ये हो गई जी ऐश मंजिल। नौवीं आगे चलेंगे तो कैश मंजिल है। नौवां सवाल सही जवाब उमरा पैकेज फॉर टू पीपल। दसवां सवाल सही जवाब 30 तोला सोना। ग्यारहवां सवाल सही जवाब वी हैव अ डायमंड सेट फॉर यू। बारहवां सवाल मर्सिडीज है। और तेरहवां सवाल वी हैव एन अपार्टमेंट, ठीक है। ये एनी टाइम यू वॉन्ट टू आस्क, अगर आप कुछ पूछना चाहें सवाल के जवाब तो मैं आपको आई कैन असिस्ट यू इन दैट। शुरू करें? यस। तो आप व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट वर यू? आप कॉन्फिडेंट हैं कि शाय हैं? आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट। ऑलवेज कॉन्फिडेंट? ऑलवेज कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट? नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वेरी गुड, वेरी बड़ा जरूरी होता है। गिफ्ट मंजिल, पहला सवाल 5,000 कैश है की तरफ से, आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो खूबसूरत चूड़ियों की वजह से जाना चाहता है, मशहूर है चूड़ियों के लिए? मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद या हैदराबाद? I think D option is correct. आप बताएं क्या करना है? डी लॉक करना? लॉक कर दें डी को। पक्का? जी। हैदराबाद? जी। कभी किसी को खरीद की चूड़ियां दी हैं आपने? नहीं अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं। ना कजन को, ना बहन को, ना अम्मी को, किसी को भी नहीं, खाला को, पुप्पी को, किसी को भी नहीं? हाँ नहीं, ऐसा मौका नहीं आया? घर वाले खुद ही जाके ले आते हैं। खुद ही ले आते हैं ना, ये चोंचने नहीं पसंद आपको? सही। हाँ जी। ऑप्शन डी को लॉक कर दे? जी ऑप्शन डी को लॉक कर दे, हैदराबाद। फिर आपको ये कैसे पता है कि कौन से शहर की चूड़ियाँ मशहूर हैं? ये एक्चुअली आई रेड इट इन माय आई थिंक 8th क्लास उर्दू बुक। उर्दू में, उर्दू की किताब में आपने पढ़ा था? अच्छा, ऑप्शन डी हैदराबाद। बताइए जवाब सही है कि गलत है? सही जवाब है, हैदराबाद चूड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो चूड़ियों से हम ज्वेलरी सेट पर आ गए हैं, है ना? यस। ज्वेलरी सेट तो आपके काम का नहीं होगा जाहिर है। यस। नहीं, बट माय फैमिली विल वेयर इट। हां, तो किसको? अगर आप माय मदर। अम्मी को? जी। ज्वेलरी सेट है जी हमारे पास हैश ज्वेलर्स की तरफ से। और गिफ्ट मंजिल का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। उस पाकिस्तानी लीडर का नाम बताइए जो 3 बार वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं। आपके ऑप्शन है राजा परवेज अशरफ, बी शौकत अजीज, सी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ। डी नवाज शरीफ। आई थिंक एवरी पर्सन नोज दैट ही इज। तो आप किसको वजीर आजम देखना चाहते हैं? वज़ीर-ए-आज़म अब तक आपकी जो छोटी सी जिंदगी है उसमें आपने नहीं, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, पॉलिटिक्स तो इसलिए हम सब उसके उससे इफेक्ट तो होते हैं ना, इफेक्टिव तो हैं, पॉलिटिक्स तो ये लोग कर रहे होते हैं, हमारा तो कोई काम नहीं है उसमें, लेकिन इफेक्ट होते हैं। तो आपको कुछ के भाई फलां बंदा होगा तो भाई PPP अच्छी थी, PTI अच्छी है या बाकी जितनी भी जमातें हैं, नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, कोई कुछ है? नवाज शरीफ PMLN। PMLN जी। सपोर्ट करते हैं आप? सपोर्ट नहीं करते वैसे, अच्छे काम किए हैं। अच्छा, उन्होंने किए, आपको लगता है उन्होंने कुछ? जी। अच्छा, ऑप्शन डी जी नवाज शरीफ, लॉक करें इसे। बताइए जवाब सही है कि गलत है? सही जवाब है। सवाल की तरफ चलते हैं। ब्रांडेड वॉच है हमारे पास आपके लिए रिबेल की तरफ से। और गिफ्ट मंजिल का ये तीसरा सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप
किस मुल्क के खिलाड़ियों को कैंगरूज कहा जाता है? किस मुल्क के खिलाड़ियों को कैंगरूज कहा जाता है? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? डी ऑस्ट्रेलिया। डी ऑस्ट्रेलिया, क्यों भाई? उन बेचारों को क्यों कहते हैं? As I told you, they play very well. They play very well. उनको कैंगरूज कहते हैं? Yes. यानी कि अगर हम अच्छा खेलेंगे हमें भी कैंगरू कहेंगे? No, but people gave him official name, so that's why. किस चीज का ऑफिशियल नाम? Sorry. Like kangaroos. They are bold, so that's why. कौन? Australia. Australia. They are bold in cricket and every. उर्दू में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये ताकि सब आवाम बात को जनरल पब्लिक हमारी जो है बातें समझ सके। तो ऑस्ट्रेलिया के आप क्या कह रहे हैं, उनको खिलाड़ियों को कैंगरूज क्यों कहा जाता है? ये मैंने पढ़ा था कहीं, क्या कहते हैं, ये बोल्ड होते हैं, मतलब बहादुर होते हैं, तो इस वजह से इनको कैंगरूज। अच्छा, कैंगरूज। कैंगरू कहेंगे, कह सकते हैं आप, कह सकते हैं कैंगरूज बहादुर होते हैं। लाइक कोई शेर बोलता है कैंगरू कह देता है, तो जिसको शेर कह रहे हैं उसको कैंगरू भी कह सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जो कैंगरू बोलेंगे, जब लोग बोल रहे हैं तो हम भी कैंगरू बोलेंगे। हम भी कैंगरू बोल देंगे, जहाँ पे लोग जा रहे हैं हम भी वहाँ जाना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो अपनी कोई चॉइस नहीं है। आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया पसंद है मुझे। ऑस्ट्रेलिया आपको पसंद है, ठीक है जी। डी ऑप्शन, डी को लॉक करते हैं। किस मुल्क के खिलाड़ियों को कैंगरूज कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया आपने कहा, ऑप्शन डी। जवाब बताइए, सही जवाब है कैंगरूज कहा जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज पाए जाते हैं इसलिए ऑस्ट्रेलिया मशहूर है वो, उनके खिलाड़ियों को इसलिए कैंगरूज नहीं कहा जाता। तो फिर मैं सोची थी जहाँ पे गधे ज़्यादा होंगे उनको, उनके खिलाड़ी को गधा कहा जाएगा, जहाँ घोड़े ज़्यादा होंगे उनको, बट ऑस्ट्रेलिया क्योंकि मशहूरी कैंगरूज की वजह से इसलिए उनको कैंगरूज कहा जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं और फिर ये सिलसिला ही। After the break, हम पहुंचे हैं तीसरे सवाल तक, अब हम चौथे सवाल पर आए हैं। 40 इंच LED है हमारे पास आपके लिए, आइसटेक की तरफ से गिफ्ट मंजिल का चौथा सवाल है ये। और क्या इंटरेस्ट है आपके, जरा अपने बारे में कुछ बताएं ना, कि तो फिल्में देखते हैं, कोई गाने गाते हैं? कोई गाना बिल्कुल नहीं गाता। बिल्कुल नहीं गाते, सुनते भी नहीं है? नहीं, सुनता भी नहीं। सुनते भी नहीं है? अच्छा, फिर फ्री टाइम में क्या करते हैं? कोई मूवीज में आ जाते तो फिर वो सुन लेते हैं। थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज आवाज का। मूवीज में अगर कोई देखते हुए आ जाए, मूवीज के अंदर कोई गाना आ जाए तो देख लेते हैं, वरना उसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं पसंद। नहीं पसंद। अच्छा, मूवीज देखते हैं? लेकिन मूवीज देखते हैं। अच्छा, किस तरह की फिल्म्स पसंद है? एक्शन। एक्शन फिल्म कौन सी आपने लास्ट देखी? हू इज योर फेवरेट? होब्स एंड शो। होब्स एंड शो, फास्ट एंड फ्यूरियस। अच्छा, फास्ट एंड फ्यूरियस। सिनेमा में देखी? घर पे। घर पे देखी। घर पे देखी। सिनेमा में नहीं जाते? नहीं, सिनेमा नहीं गया। क्यों? आप इतने सीरियस? नहीं, सीरियस की बात नहीं है, मतलब अगर वहाँ पर कहीं बम ब्लास्ट हो जाए तो हराम की मौत है, बंदा घर भी देख ले। ये आपके जहन में ये ख्याल इस किस्म के आते हैं? नहीं, ख्याल नहीं, ऐसे फैक्ट है देखा जाए तो। अगर वहाँ पे ऐसे काम हो रहे, मतलब मूवीज देख रहे हैं, बम ब्लास्ट कोई, आपको पता है पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो हराम की मौत है। अच्छा, वो तो फिर कहीं पर भी हो सकता है, जब आप कहीं मूवी लेने जाएँ या मूवी लेने जाते हैं। आम भी नहीं खरीदते तो कहीं पर भी नहीं जाते हैं? फुटबॉल खेलने तो जाते होंगे? फुटबॉल खेलने जाते हैं। अपने स्कूल कॉलेज तो जाते होंगे? कहीं तो जाते होंगे, तो फिर ये तो कहीं पर भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। नहीं, मतलब मैं ऐसी बात करूँ, जैसे मूवीज देखना फलाना, इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन देखने में मूवीज पे ये तो ना करें कि जी मूवीज इसलिए नहीं देखता कि वहाँ बम ब्लास्ट हो सकता है। अब पहले से हालात तो बहुत बेहतर हो गए हैं हमारे मुल्क के, अब तो बहुत मूवी देखी जा सकती है, अब ना देखे मूवीज ये तो ना कहें। अच्छा, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, 40 इंच LED आइसटेक की तरफ से ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामी मुल्क कौन सा है? रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामी मुल्क कौन सा है? आपके ऑप्शन है ब्रुनाई,
मालदीव, इंडोनेशिया या पाकिस्तान? इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन है, ये लेटर जरूर कौन सी? दो जवाब दीजिए। ओके, लाइफलाइन यूज करेंगे, दो जवाब दीजिए, कौन सी दो ऑप्शंस देंगे? मालदीव और इंडोनेशिया। मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। ये फौरन ही आपने फैसला करें, ब्रुनाई को आपने निकाल दिया और पाकिस्तान को भी निकाल दिया। इन दोनों में डाउट है मुझे तो, इसे इन दोनों में डाउट है, पता नहीं। मालदीव्स एंड इंडोनेशिया, तो फिर लॉक कर लें इनको? कर दें। कर दीजिए। बी मालदीव्स एंड सी इंडोनेशिया। अच्छा, दो ऑप्शन है, हमने लॉक कर दिए हैं बी एंड सी, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है, बताइए जवाब दुरुस्त है इनमें कि नहीं? मालदीव्स इज द राइट आंसर। सबसे छोटा पाकिस्तान होकर इंडोनेशिया तो काफी बड़ा है, इंडोनेशिया तो फिर यूज करते हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह शौक है। कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ जाना चाहेंगे? बहरीन, सऊदी अरेबिया। आपने गए हैं? एंड पाकिस्तान टूर पे भी, पाकिस्तान टूर तो नहीं, खैर अयूबिया तक गया हूँ। अयूबिया तक? और कौन सी जगह पे गए हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, अयूबिया, बस यही। यही कराची में जा रहे हैं। कराची में तो रहते हैं तो जाना ही पड़ता है। अच्छा, तो अयूबिया आपको कौन सी जगह सबसे खूबसूरत लगी जहाँ दोबारा जाना चाहेंगे? नॉर्दर्न एरियाज आपको अच्छे लगे? जी। जाना चाहेंगे दोबारा फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या अकेले? किसी के साथ भी प्रोग्राम बंद चले जाएंगे। कोई भी चला जाए मैं चला जाऊंगा जी, है ना? ठीक है, ओके। और बहरीन कैसे गए थे आप? बहरीन हम लोग गए थे सऊदी से बाहर। अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा, बिल्कुल मुख्तलिफ कंट्रीज है, पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। मोस्टली इंडियन पीपल्स और फिलीपींस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा है हाँ, लेकिन पाकिस्तानी भी है लेकिन शायद उतने ना हो। तो बहरीन आपको कैसा लगा? बहरीन अच्छा लगा। अच्छा लगा। गिफ्ट मंजिल आपने तय कर ली है, मुबारक हो आपको। आगे चलते हैं ऐश मंजिल की तरफ। पांचवा सवाल है ये, और अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो ये जितने इनाम हैं गिफ्ट मंजिल के ये आप जीत लेंगे जी। पांचवा सवाल ऐश मंजिल का, ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। Queen Elizabeth II की रिहाइश गाह बकिंघम पैलेस में चेंजिंग ऑफ गार्ड सेरेमनी किस वक्त मुनक़द की जाती है? आपको क्वीन एलिजबेथ का तो पता होगा, बकिंघम पैलेस का भी पता होगा। गार्ड सेरेमनी होती है जैसे हमारे बॉर्डर पे भी होती है, या मज़ारों जैसे कायदे आज़म के मज़ार पे होती है, और जगहों पर भी होती है। जो चेंजिंग ऑफ गार्ड सेरेमनी है ये इस पैलेस पर, बकिंघम पैलेस पर कितने बजे होती है? 9:30 AM, 6 PM, 10:45 AM या 5:45 PM? Well, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, तो लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। बिल्कुल करें, आपकी दो लाइफलाइन। सवाल तब्दील कीजिए, क्वेश्चन चेंज कर दें। बिल्कुल ठीक है, दूसरी लाइफलाइन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल हम आपका चेंज कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप कोई ऑप्शन लेते हैं तो क्या होती है? ऑप्शन 10:45 जी। 10:45 जी। लॉक करें इसको, जरा 10:45 लॉक कीजिए। और अगर ये सही जवाब हुआ, अगर गलत हुआ तो ठीक है आपने अपनी लाइफलाइन यूज़ किया, और अगर सही हुआ तो फिर क्या आप क्या सोचेंगे अपने बारे में, क्या ख्याल करेंगे? अच्छा हुआ ना, पता नहीं था, कंफर्म नहीं था कि कंफर्म नहीं था। बताइए जवाब, ये सही जवाब है। 10:45 AM पे ये सेरेमनी होती है, और ये 45 मिनट्स की सेरेमनी होती है। अगर आप तुक्का भी लगाते तो ये जवाब आपका सही होता। एनीवे, आपका क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया है, देखते हैं कि नया जो है आपका क्वेश्चन वो क्या है। वो कौन सा मुल्क है जिसके जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें अगर आप 3 बार कहने के बावजूद खाने का बिल ना आए तो आप बिना बिल दिए जा सकते हैं? भाई मैं तो इस मुल्क में शिफ्ट हो रही हूँ, ये जो भी मुल्क है वो कौन सा मुल्क है जिसके रेस्टोरेंट्स में अगर आपने 3 बार बिल का मुतालबा किया और बिल ना दिया हो किसी भी वजह से तो आप खाने का बिल ना दिए बगैर आप जा सकते हैं? हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक या हॉलैंड?
कभी हुआ ऐसे कि आप खाना वाना खाया और खिसक गए हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं है। कभी नहीं? कोई छोटी मोटी शरारत भी आपने ज़िंदगी में नहीं की? नहीं ये इसमें शरारत तो नहीं कहते फिलहाल। शरारत बता दें जो आप लोग करते रहे बचपन में, मतलब आप शरारत किसको कहते हैं? शरारत तो इस हिसाब से किए गए लोगों के घरों की बेलें बजा के भागे। अच्छा और बहुत सारे कारनामे किए। और कोई बताए ना, ये तो वो है जो बहरहाल में सबने रट्टा हुआ है कि बस यही बताना है, कोई पूछ ले। नहीं रट्टा नहीं किया मैं तभी बता। अच्छा और? और अभी याद नहीं आ रहा, अगर इंशाल्लाह गेम में याद आएंगे तो आप बता। चले बता दें वो कौन सा मुल्क है जिसके रेस्टोरेंट्स में अगर 3 बार कहने के बावजूद खाने का बिल ना आए तो आप बिना बिल अदा किए जा सकते हैं? ये तो बड़ा ज़रूरी है इस मुल्क को विजिट करना। हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक या हॉलैंड? करें, आपके पास है करोड़ों की कॉल है, किसको कॉल करें? माय फ्रेंड इब्तिसाम अख्तर। क्या नाम? इब्तिसाम अख्तर। इब्तिसाम क्या करते हैं? मेरे साथ होते हैं, बीकॉम कर रहे हैं। अच्छा पढ़ते हैं आपके साथ। आपको क्यों लगता है उनको खाने का बहुत शौक है? इसलिए उनको पता होगा वो सारी चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, इस वजह से जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है उनका। अच्छा और आपका नहीं है? आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? अकाउंट्स। अकाउंट्स में सिर्फ नंबर्स? अच्छा जी। अच्छा आपके पास जब आप उनसे बात करेंगे तो आपके पास 60 सेकेंड्स होंगे, एक मिनट का टाइम होगा, आप उसमें सवाल भी बताएंगे, उसके जवाब भी बताएंगे, उनसे जो भी बात करनी है आप 60 सेकेंड्स में करेंगे क्योंकि उसके बाद आपकी कॉल कट जाएगी। ठीक ऑलराइट ठीक है जी। इनके जो दोस्त हैं इब्तिसाम, उनको ज़रा कॉल मिलाइए। कितने पुराने आपके दोस्त हैं? किस किस्म के दोस्त? चाइल्डहुड बचपन से साथ हैं। बचपन से। फिर तो आपके पास एक दूसरे के सीक्रेट्स भी होंगे, हर चीज़ शेयर करते हैं जी। एक दूसरे को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं इसका मतलब है जो आपके सीक्रेट्स हैं? ऐसे सीक्रेट्स नहीं। जब आप इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं, किस किस क्या बातें करते हैं, व्हाट इज़ योर टाइम जो आप स्पेंड करते हैं? हम करते हैं कभी खाना खाने चले जाते हैं। अच्छा वैसे मुझे बताइए कि खाना खाने के अलावा यहाँ पे और क्या एक्टिविटीज़ हैं फॉर द यंग पीपल? क्या क्या करते हैं? समंदर पे जाके बैठा हो और समंदर पे और खाने के अलावा हमारे मुल्क पे एक्टिविटीज़ क्या हैं फॉर यंग पीपल? लाइक अरीना में कभी जॉय लैंड जाके तफरी कर लेते हैं। अच्छा इसी तरह कुछ करते रहते हैं। अच्छा ऑन एंड ऑफ करते रहते जी। हेलो हेलो जी कैसे हैं आप? ठीक है ठीक ठाक। बी कॉम कर रहे हैं आप? जी बी कॉम कर रहे हैं आप। कैसा जा रहा है पढ़ाई आपकी, कैसी जा रही है? आप है कौन आपकी तरह से पूछ रही है? बात तो सही कर रही हूँ ना, बी कॉम ही कर रहे हैं ना आप? जी बी कॉम ही कर रही है, पर आप है कौन? मैं बोल नेटवर्क से बात कर रही हूँ, हमारा गेम शो है करोड़ों में खेल और आपके एक दोस्त यहाँ पे, करीबी दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे थे तो हमने कहा कॉल मिला लेते हैं। वो बता रहे थे कि आप बीकॉम कर रहे हैं और आपको जनरल नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट है जी। पढ़ाई में कैसे हैं आप, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छा हूं। अच्छी जा रही है पढ़ाई। अच्छा ये आप अपने दोस्त से बात करें, एक सवाल का जवाब जो है उसमें ये फंस गए हैं और वो समझते हैं कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। यार सवाल ये है वो कौन सा मुल्क है जिसके रेस्टोरेंट्स में अगर 3 बार कहने के बावजूद खाने का बिल ना आए तो आप बिना बिल दिए जा सकते हैं? ए ऑप्शन है हंगरी, बी ऑस्ट्रिया, सी चेक रिपब्लिक, डी हॉलैंड। यार सवाल ऑप्शन बताना दोबारा। ए हंगरी, बी ऑस्ट्रिया, सी चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक एंड डी हॉलैंड। यार मुझे हंगरी और चेक रिपब्लिक में ना तो कंफर्म कौन सा लग रहा है आपको? हंगरी है ज्यादा तो। हंगरी है चलो सही देख लो फिर, अच्छा नहीं होगा वरना। हाँ हाँ चलो सही है फिर, हंगरी को लो कर दो। करें बस जी जी भूख रेस्टोरेंट हंगरी बिल इसलिए नहीं, इसलिए नहीं दोस्त नहीं बोला ऐसे ऐसे भी कॉल ड्रॉप हो गए। अच्छा इसलिए कि वो कह रहे हैं जी, अगर गलत हुआ तो वो फिर देखा जाएगा बाद में, फिर अगला बिल वो देंगे। अगला बिल वही देंगे। अच्छा आर यू श्योर फिर हम हंगरी को ही? जी जी बिल्कुल ठीक ए ऑप्शन ए हंगरी। वो कौन सा मुल्क है जिसके रेस्टोरेंट्स में अगर आप 3 बार खाना
کہنے کے باوجود کھانے کا بل نہ آئے تو آپ بل دیے بغیر جا سکتے ہیں. آپ نے آپشن دی ہے ہنگری. لیٹس فائنڈ آؤٹ دی رائٹ آنسر. بتاتے ہیں آپ کو, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر اس کے بعد آ کے بتاتے ہیں. The break اور بریک پہ جانے سے پہلے کھانے پینے اور ریسٹورینٹس کی بات ہو رہی تھی کہ بھائی وہ کون سا ملک ہے جس کے ریسٹورینٹس میں اگر آپ تین بار کہنے کے باوجود کھانے کا بل نہ آئے تو آپ بل دیے بغیر جا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کبھی کیا آپ میں سے کسی نے ایسا؟ یہ کبھی نہیں کیا؟ چپکے سے نکل گئے کسی ڈھابے وغیرہ پہ, کالج کی کینٹین میں ادھار نہیں چلا آپ لوگوں کا کبھی؟ ہاں اچھا, ویسے انٹرسٹنگ بات ہے کہ یو نو ایسی بھی جگہ ہے جہاں پہ ایسا ہوتا ہے. آپ نے آپشن لی ہے ہنگری کی. جی. اچھا, کھانے میں ویسے آپ کو کیا پسند ہے؟ کھانے میں بریانی. بریانی, کراچی کے آپ ہیں تو بریانی. بریانی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. رائٹ. حلیم بھی ویسے یہاں کا, بریانی از دا مین تھنگ. ویسے لگتا نہیں ہے کہ آپ بریانی شریانی کھاتے ہیں. Stemmen sparks, otherwise to, you know, biryani is a ek murghan ghiza hai. Isse weight bhi to bada. Football ki badla. Football bhi khelte hain. Very good. Acha ji, aapne option A li hai, hungry. Ji. Ji. Let's find out ki jawab sahi hai ki nahi. Ye galat jawab hai. Asli jo sahi jawab hai wo hai Austria. Austria is the country jahan pe اگر آپ تین چار بار کہیں اور آپ کو بل نہ ملے تو آپ وہاں سے بل دیے بغیر جا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہاں آسٹریا کا چکر لگانا بہت ضروری ہے. آسٹریلیا ہم جائیں گے کینگروز دیکھنے, اور آسٹریا جو ہے وہ ریسٹورینٹس کا چکر لگانا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت پرومپٹ ہوں گے. آپ نے بھی بل مانگا بھی نہیں ہوگا, آپ کو لا کے دے دیں گے, ہے نا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. اینی وے جی, آپ کی تو بھائی تین لائف لائنس ختم ہو گئی تھی, جواب آپ کا غلط ہو گیا. کوئی بات نہیں, اٹس اے گیم اور ہار جیت ہوتی رہتی ہے. اچھا جی, اب ہے ڈرا کی باری. وی ہیو اے برانڈ نیو بائک فار یو, جو ہمارا یہاں پہ لکی ونر ہوگا ہمارے اسٹوڈیو میں. اس کے لیے بائک ہے. اپنے اسکریچ کارڈ ذرا نکال لیجیے. یہ نمبرز میرے سامنے ہیں. ویل اسپن کرے گا. ون ٹو اینڈ تھری اسٹاپ. اے ون ٹو فور تھری تھری ون زیرو زیرو ٹو ون آپ کا ہے. ریئلی آ جائیے. اچھا, تو آپ تو ہمارے کنٹیسٹنٹ تھے اور آپ نے تو سوالات کے جواب بھی نہیں لیے اور آپ جیت گئے ایک بائک. لک کی بات ہے. لک کی بات ہوتی. دکھائیے آپ کا کیا ہے کارڈ. اچھا, 500 کا کارڈ آپ نے لیا. اچھا, ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ نکل آئے گا. کیا تھا اسی لیے لیا 500 تھا آپ نے ذہن میں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ویسے کارڈ لے لیتے ہیں یا آپ کوئی لوٹو نمبر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نکلا تو نکلا, ویسے مجھے امید نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امید تھی. امید تھی اس لیے 500. اچھا, اوکے, بہت مبارک ہو آپ کو بھائی, ہے نا. ہمارے کنٹیسٹنٹ تھے اور ادھر ہمارے جو ہمارے ہاٹ سیٹ پر آئے, ہی کڈنٹ وین اینی تھنگ. لیکن بھائی لک تو ہے, لک کی بات ہے. تو آپ کو بہت مبارک. یہ تو تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. آپ نے دیکھا کہ یو نو لک کی بات ہے. آپ جیت بھی سکتے ہیں, آپ ہار بھی سکتے ہیں. اٹس آل اے گیم. اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے, لیکن ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ضرور ہونی چاہیے. اگر وہ ہوگی آپ میں تو آپ زندگی کے جو کھیل ہیں اور مقابلے ہیں ان میں بھی آپ حصہ لے سکیں گے اور فرسٹریٹ نہیں ہوں گے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. چلتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا.